पहलवानों की लड़ाई अब आईओए तक पहुंची। इस्तीफा नहीं देने पर अड़े बृजभूषण शरण सिंह, पहलवानों को धमकाते हुए कहा मुंह खोला तो सुनामी आ जाएगी। जंतर मंतर पर बैठे पहलवान बोले इस्तीफा से कम हमें मंजूर नहीं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के गोंडा से सांसद बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों के बाद पद छोड़ने के बढ़ते दबाव के बीच बृजभूषण ने कहा है कि वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देने जा रहे। वो शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके समर्थन में भी लगातार खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने एक ही परिवार के पहलवानों के विरोध की बात भी कही है। एक लाइन बोल रहा हूँ, देखिए मैं इस समय नेशनल ओपन नेशनल शुरू हो रहा है नंदिनी नगर के अंदर। मैं अपने घर से निकला हूँ वहाँ की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ना सवाल है ना कोई जवाब है। शाम को प्रेस करेंगे, इस्तीफा देंगे। इस्तीफा आपके पास कोई अभी प्रेस करेंगे? मेरी किसी से कोई बात नहीं, पीएमओ से आप किसी से कोई बात नहीं। लेकिन ये मजबूरी है कि मैं सबको अलग अलग नहीं दे सकता। अभी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो सबको बोलूंगा और आप लोग भी टहलेंगे घूमेंगे। हरियाणा के कम से कम 300 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, आप उनका बयान लीजिए और खिलाड़ियों का बयान लीजिए। वही नंदिनी में सर? हाँ नंदिनी में वही चल रहा है। ठीक, वही ओपन रहे। इस्तीफा नहीं देने पर अड़े बृजभूषण। इसके अलावा बृजभूषण शरण सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा है मैं किसी की दया से अध्यक्ष नहीं बना हूं, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो सुनामी आ जाएगी। इससे पहले खेल मंत्रालय ने नोटिस जारी कर 72 घंटे में जवाब मांगा था, लेकिन इस बीच बीती रात में खिलाड़ियों के साथ अनुराग ठाकुर ने बैठक करी थी। इस दौरान खेल मंत्री ने बृजभूषण सिंह से फोन पर भी बात की थी और उन्हें अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन बृजभूषण सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। मैं तो यही कहूंगा, खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस जाकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सके और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। पहलवानों ने आईओए को लिखा पत्र। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ को एक पत्र लिखा है और बृजभूषण शरण सिंह को हटाने समेत 4 मुख्य मांगे भी रखी हैं। पहलवानों की तरफ से विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पूनिया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को पत्र लिख खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न और शोषण का मुद्दा उठाया है। ओलंपिक संघ के सामने पहलवानों ने 4 मांगे रखी हैं। यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कमेटी गठित की जाए, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से इस्तीफा लिया जाए, कुश्ती महासंघ को भंग किया जाए, कुश्ती महासंघ को चलाने के लिए पहलवानों की देखरेख में एक नई कमेटी गठित की जाए। फिलहाल अब पहलवान जंतर मंतर पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में आगे क्या होगा इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर आपका क्या कहना है लिखिए कमेंट सेक्शन पर। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।